है यू गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड मैं आज ये लुक लेके आई हूँ स्पेशली फॉर द ब्राइड्स मेन एंड दिस लुक इज सो एलिगेंट बट इट इज़ वेरी ईजी टू क्रिएट यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स आई एम गोइंग टू शो यू सबसे पहले मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर ले रही हूँ यूजिंग प्लम्स कैंडी मेल्स लिप बाम देन आई एम यूजिंग दिस रोजिप सिरम फ्रॉम गुड वाइप्स ये स्किन को बहुत ही हाइड्रेटेड बना देता है एंड द स्किन ग्लोज लाइक अ गॉडेस ये स्किन को बहुत स्मूथ टेक्स्चर देता है एंड इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ गुड प्राइमा आफ्टर प्रेपिंग माई स्किन आई एम गोइंग टू फिल इन माई ब्राउज यूजिंग दिस एल्फ अल्ट्रा प्रिसाइज ब्राउ पेंसिल इन द शेड न्यूट्रल ब्राउन आप देख सकते हो इसका टिप इतना ज़्यादा फाइन है यू कैन ड्रॉ हेयर लाइक स्ट्रोक्स विद दिस एंड आईब्रोज बहुत ज़्यादा डिफाइंड एंड नेचुरल लगता है दिस ब्राउ प्रोडक्ट इज माई फेवरेट आफ्टर फिलिंग द ब्राउज मैं स्पूली के हेल्प से अच्छे से कोम कर लूंगी ब्राउज को ताकि प्रोडक्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए

ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू अपलाई फाउंडेशन ऑन योर नेक एंड ऑन योर ईयर्स बिकॉज आप नहीं चाहोगे कि आपका फेस एंड नेक बिल्कुल भी अलग लगे अलग स्किन टोन का लगे मैं फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लैंड कर ले रही हूं यूजिंग द फाउंडेशन ब्रश ब्लैंडिंग इज द की टू मेकअप इसलिए फाउंडेशन ब्लैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज अ मैट फाउंडेशन लेकिन मैंने स्किन को इतने अच्छे से प्रेप किया है यूजिंग द सिरम एंड द स्ट्रोप क्रीम दैट माई फेस इज लुकिंग सो ड्यू एंड हेल्थी नाफ ए कंसीलर आई एम यूजिंग मे ब्लीस फिट मी कंसीलर इन द शेड मीडियम मैं इसे अपने हाई पॉइंट एंड अपने अंडर आइज पे लगा ले रही हूँ नाउ यूजिंग द कफल लाशेज कंसीलर ब्रश मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी दिस कंसीलर शेड इज वन शेड लाइटर दैन माई स्किन टोन इसलिए मैं इसे अपने अंडर आइज में तो यूज कर ही रही हूँ बट ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस ऑन द हाई पॉइंट ऑफ माई फेस लाइक ब्रिज ऑफ द नोज फोर हेड अपर लिप्स चिन सो दैट माई फेशियल फीचर्स लुक्स मोर एनहैंसड दिस कंसीलर इज़ वेरी गुड एंड वेदर यू हैव ऑयली और ड्राई स्किन इट्स गोइंग टू सूट यू परफेक्टली एंड दिस कंसीलर गिव्स मीडियम टू फुल कवरेज अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर जहाँ जहाँ भी मैंने कंसीलर अपलाई किया है ताकि कोई भी क्रीजिंग ना हो एंड कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए दिस कॉम्पैक्ट पाउडर हैज़ अ नाइस कवरेज एंड यह आपके फेस को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्पैक्ट पाउडर फॉर ब्लश आई एम यूजिंग जस्ट हर्ब्स लिप एंड चीक टेंट इन द शेड चीकी कोरल ये बहुत ही प्यारा ब्लश है एंड ये बहुत सा इफेक्ट देता है आपके स्किन को दिस ब्लश ब्यूटिफुल ब्लेंड्स विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश मैं ब्रश को अपवर डायरेक्शन में ब्लैंड करी हूँ फॉर दैट लिफ्टेड लुक ऑल्सो एम अपलाइंग इट ऑन माई नोज एंड चिन इससे बहुत ही नेचुरल ब्लश लुक आ जाता है Taking this light brown shade with the help of a fluffy blending brush and applying it on my crease area, I'm using the Swiss Beauty eyeshadow palette, which is my go to eyeshadow palette. From the Makeup Revolution Constellation palette, I am taking this maroon shade and applying it on the outer corner of my eyes. I'm nicely blending the shade and I'm taking this cluster shade, which is a beautiful black shimmery shade, and applying it on my eyelids.

टू सेट माई क्रीम ब्लश मैं उसी मरून शेड को लेकर बहुत हल्के हाथों से अप्लाई कर ले रही हूँ एंड फॉर द कॉन्टोर आई एम यूजिंग दैट सेम से कॉन्टोर एंड आई विल कॉन्ट्रोल माई चीक बोन्स माई जॉ लाइन माई नोज माई फोर हेड फॉर दैट चीजल लुक इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास कॉन्टोर ब्लश हमेशा अलग से अवेलेबल हो आप सेम आई शेडो पैलेट से ही पूरा लुक क्रिएट कर सकते हो इन माई वॉटर लाइन आई एम अपलाइंग मे बीन काजल एंड मैं इस काजल को स्मच कर लूंगी यूजिंग ब्राउन

For highlighter, I'm using the OG highlighter, which is Maybelline Master Chrome Highlighter in the shade Molten Gold. I'm taking a fluffy brush and I will highlight the high points of my face, like my cheekbones, bridge of my nose, cupid's bow, chin, my forehead. Jaha light reflect karega because girl, you need to glow. Now to set my eyebrows, I'm using Wow Brow Volumizing Fiber Gel from E.L.F. This will fill in your brows because it has fibre in it and it will make your brows voluminous and feathery.

And this will also melt in my makeup so that everything looks blended in. This is my final look. I hope you guys liked it. See you guys soon with a brand new video. Till then, keep watching, keep rocking.